इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुशरा बीबी हों, उनके बेटे हों, फराह गोगी हों और उस्मान बुजार साहब हों, इन सब के गिरद जो है वो शिकंजा सख्त होने जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब का नाअहली के बायस पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ एहतशामुर रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान साहब के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोसा में शहरी नसीमुल हक की मुदैयत में दर्ज किया गया है, जिसमें बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फराह गोगी समेत दीगर भी मुकदमे में नामजद हैं। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी, हेरा फेरी की दफात शामिल की गई हैं। चेयरमैन PTI और दीगर ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की, ये मौके इख्तियार किया गया है। फिर आज नैब के अंदर बड़ी अहम पेशी, और बुशरा बीबी ने नैब को ख़त लिखा था कि पर्दे के बायस मैं अपने शौहर के साथ ही नैब आना चाहती हूँ, अकेली नहीं आऊँगी। तो जानिब नाज़रीन, बुशरा बीबी हों, उनके बेटे हों, फराह गोगी हों और उस्मान बुज़ार साहब हों, इन सब के गिर जो है वो शिकंजा सख्त होने जा रहा है। 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पंजाब में मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने रिश्वत ली और फिर तयनातियाँ की, कानून के खिलाफ वर्जी की और खूब पैसा बनाया। एंटी करप्शन हुकाम हरकत में आए हैं, 8 अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एंटी करप्शन के मुताबिक जिन 8 शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानी का भी नामजद मुलजिम है। और एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी की सहेली फरत शहजादी और फराह गोगी, साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो नाम शामिल हैं उनमें साबिक़ ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सालिहा सईद, ख्वाजा सुहेल अहमद, अजीज़ तारर, उस्मान मुअज़्ज़म भी इस मुकदमे में मुलजिम नामजद किए गए हैं। रिश्वत सतानी का मुकदमा थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तवील इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया है और एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक इन 8 मुलजिमान ने भारी रिश्वत लेकर सूबे में अफसरान को मनपसंद पोस्टें दी। और एंटी करप्शन हुकाम का ये भी कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। उधर नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं और तरीन साहब की जो नई सियासी जमात के मामलात हैं वो अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और वो कल लाहौर में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पार्टी का नाम क्या है, इस पार्टी में कौन से लोग आ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब का ओहदा क्या होगा, ये सब वो सवालात हैं जिसका जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन साहब का नाअहली के बायस पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान है और जब नाअहली ख़त्म होने की सूरत में वो पार्टी के चेयरमैन हो, यानी जब नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इस सिलसिले में कानून साजी भी हो चुकी है जिसका फ़ायदा होगा नवाज शरीफ साहब को, तरीन साहब को भी। तो नाअहली जब इनकी ख़त्म हो जाएगी तो उस सूरत में फिर भी ये पार्टी के बाज़ाब्ता तौर पर चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन जब ये कल पार्टी का ऐलान करेंगे तो पैटर्न इन चीफ के तौर पर ये सामने आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा बात हो जाए कि तरीन साहब जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिस सिलसिले में उन्होंने मुलाकातें की हैं, मुशावरतें की हैं और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टूटे हुए लोग हैं, यानी जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी 9 मई के वाक़यात के बाद, उनसे जो रब्ता हुआ, बड़े बड़ी नामवर शख्सियात हैं और चारों सूबों में तरीन साहब का तैयारा एक बार फिर उड़ा है और तैयारे में लोगों को फिर उसी तरह से भरा गया जैसे PTI बनाई गई थी। इसी तरह से तरीन साहब की नई सियासी जमात के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खुला ना छोड़ा जा सके। उनको टफ टाइम देने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए कोई पैरेलल सियासी जमात भी हो, जो कि तहरीक इंसाफ जो है वो हो सकता है कि उस पर पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान साहब पर पाबंदी लगा दी जाए। तो इसलिए तरीन ग्रुप साहब को आगे लेकर आ रहे हैं और ज़रा का ये भी बताना है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तरीन ग्रुप को वाज़े इशारा दे चुकी है कि आप आगे आएँ और नई सियासी जमात बनाएँ और कल वो लाहौर में ऐलान करने जा रहे हैं। 3 नाम नाज़रीन ज़ेर गौर हैं तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी बनने जा रही है उसकी। उसमें पहला नाम जो सामने आया है वो है जहांगीर तरीन साहब की अवाम दोस्त पार्टी, यानी अवाम दोस्त पार्टी का एक नाम की तजवीज़ है और दूसरा नाम पाकिस्तान इंसाफ पार्टी है। और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस पर ज़्यादा लोगों का इत्तफाक हो जाएगा, जबकि तीसरा नाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी हो सकता है। इसमें इंतखाबी निशान के हवाले से भी अभी गौर व खोज किया जा रहा है, मशवरा किया जा रहा है और जितने भी लोग अभी जहांगीर तरीन साहब के साथ इकट्ठे हो रहे हैं उनसे मुशावरत के बाद ही हतमी नाम का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज लाहौर में बड़ा अहम दिन गुजार रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब लाहौर तशरीफ ला चुके हैं, इस्लामाबाद से पूरी की पूरी जो क़ियादत है, जो तरीन ग्रुप की क़ियादत है वो भी लाहौर पहुँच चुकी है। अलीम साहब, अब्दुल अलीम खान साहब जो मुतवक्के पहले सदर हो सकते हैं वो भी लाहौर में ही हैं और आज एक बड़ा ज़बरदस्त इशाया भी दिया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब की जानिब से, जो तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन ग्रुप में आए हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, उन लोगों के लिए। और किन को टिकट देना है, टिकट होल्डर्स कौन होंगे और इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली होगी, जहांगीर तरीन ग्रुप का मंशूर क्या होगा, इस सिलसिले में भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करने जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। और आज जब उनका इशाया हो रहा होगा लाहौर में, और पता चला है कि आइंदा 48 घंटों में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और मुतवक्के तौर पर कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कहाँ पर ये शाया होगा नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं सूबाई साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं और चूँकि मुतवक्के सदर भी हैं तरीन ग्रुप की पार्टी के, तो ये इशाया दे रहे हैं। अब्दुल अलीम खान साहब की डिफेंस रिहाइशगाह पर इशाया दिया जाएगा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने इशाये में शिरकत करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्तें भी तैयार कर ली हैं और पता चला है कि अलीम खान साहब की जानिब से दिए गए इशाये में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमा जहांगीर तरीन की मुतवक्के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे और ये सब मिलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का ऐलान भी करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बात की जाएगी, इंतखाबी निशान क्या होगा, वो भी सारे मामला जो है वो वहीं पर हतमी मुशावरत के बाद आज फाइनल हो जाएंगे, फिर ये कल ऐलान कर दिया जाएगा। एहतशामुर रहमान को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामिन नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।